नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं अजय देवगन के बारे में और तीन चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज, भुज फिल्म क्या हिट हुई या फ्लॉप हुई, इसमें अजय देवगन का क्या कहना है। इसके अलावा अजय देवगन की आने वाली वेब सीरीज रुद्रा के बारे में बात करूंगा। तीसरी बात, जो उनकी लास्ट प्रोडक्शन वाली फिल्म थी जिसका नाम आपको पता था द बिग बुल, उसका क्या हुआ था, तो उन तीनों चीजों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपने इस ओटीटी क्रेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। बात करते सबसे पहले उनकी फिल्म, एक आई थी 8 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई थी बिग बुल, जिसे प्रोड्यूस किया था अजय देवगन ने, और बिग बुल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। तो अजय देवगन से पूछा गया, अजय देवगन ने पूछा कि क्या परफॉर्मेंस है, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ये कहा, व्यूज नहीं बताए, सिर्फ ये कहा, क्योंकि ओटीटी पर व्यूज पता चलते ना कितना देखा गया पिक्चर, तो व्यूज नहीं बताए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने। उन्होंने सिर्फ अजय देवगन ने ये कहा कि हमने आपकी फिल्म को अच्छे खासे दाम में खरीदा और आपकी फिल्म को हमने दिखाया और वो फिल्म ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बस इतना। इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं आया। वहीं अजय देवगन से ये भी पूछा गया, अजय देवगन ने ये भी पूछा, जैसे कि हाल फिलहाल में जो फिल्म आई थी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें पूछी, इस फिल्म से जुड़ी हुई बातों पर भी सेम रिएक्शन था डिज्नी प्लस हॉटस्टार का कि व्यूज नहीं बताते हैं वो कि कितना आया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को और किस तरह से परफॉर्मेंस हुई, बस इतना बताते हैं कि फिल्म ठीक ठाक चली या फिल्म अच्छी चली, इस तरह की ही बातें सामने पता चली। यानी कि अजय देवगन का ये साफ कहना है, जो खुद एक सुपरस्टार है जिन्होंने अपनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेची, उनका खुद का ये कहना है कि हमें ना तो कोई नंबर बताया जाता है कि कितना मिलियन व्यूज हुआ है भुज का ओटीटी पर, या फिर ये भी नहीं बताया जाता है कि उस फिल्म का क्या रिस्पॉन्स हुआ, सिर्फ यही बताया जाता है कि फिल्म ठीक परफॉर्म किया है, फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है, बस इतना ही। इसके अलावा कुछ अपडेट नहीं पता चलता। तो जो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओटीटी पर भुज क्या हिट है या फ्लॉप है, इसका जवाब अजय देवगन ने साफ कहा है कि उन्हें नहीं पता, उन्हें ऑफिशियल नहीं बताया गया है, सिर्फ यही बताया गया है कि फिल्म अच्छी परफॉर्म करी है, बस उसका व्यूज कितना है ये तक बताया नहीं गया है। तो इसका मतलब साफ है कि ओटीटी पर आने वाली फिल्में हिट होती है या फ्लॉप होती है इसका कोई मापदंड है ही नहीं। थिएटर में आती तो हमको पता चलता है इतना कलेक्शन हुआ उतना कलेक्शन हुआ उससे मापा जाता है, लेकिन ओटीटी पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये अजय देवगन ने खुद साफ कहा है। सो हम यही मान के चलेंगे कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म ओटीटी पर ठीक चली है और अच्छी चली है, ये हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन्होंने अपनी आने वाली वेब सीरीज के बारे में, रुद्रा के बारे में क्या कहा। उन्होंने उनकी वेब सीरीज जो रुद्रा है, ये एक हॉलीवुड की वेब सीरीज जो है लूसीफर, उसका हिंदी रूपांतरण है, मतलब हिंदी रिमेक है, और लूसीफर इड्रिस एल्बा मेन हीरो नजर आए थे वहां पे। तो यहाँ पे अजय देवगन एक तरह का एक्टर प्ले कर रहे हैं जो कई सारे कॉम्प्लेक्स केसेस जो होते हैं, क्राइम केसेस सुलझाता है जिसे बाकी लोग को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। तो अजय देवगन की ये वेब सीरीज आ रही है बड़े लेवल पे बंदे, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी कुछ हद तक शुरू पूरी हो चुकी थी और कुछ हद तक वापस अब स्टार्ट कर रहे हैं अजय देवगन। यानी कि अब जो अजय देवगन करने वाले हैं वो फिलहाल इसी वेब सीरीज की शूटिंग में फिर से बिजी होने वाले हैं कुछ दिनों में, रुद्रा। ठीक है, अब अजय देवगन से एक और चीज पूछा गया कि जैसे कि उनकी कोई भी फिल्में जो ओटीटी पर आई है ज्यादातर बड़े स्टार्स की, उनका क्या फ्यूचर है या क्या हो सकता है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मान लीजिए एक छोटी पिक्चर जिसमें कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है वो ओटीटी पर आती है तो उसका जो कमाना है या उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर कोई स्टार है किसी फिल्म में और फिल्म का बजट अच्छा खासा है, महंगा बजट है, मतलब 80-90 करोड़ 100 करोड़ पकड़ लो, वो ओटीटी पर आती है तो ज्यादा ऐसी फिल्में अपना जो अमाउंट है अपना जो पैसा है वो रिकवर नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं उससे प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ओटीटी पर आने वाले बड़े स्टार्स की फिल्में ज्यादातर फ्लॉप रही है अभी तक, ये भी कहा है अजय देवगन ने, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म का नाम इसे मेंशन नहीं किया है भुज का, लेकिन उन्होंने कहा है कि बड़े स्टार की जो फिल्में हैं ओटीटी पर आती है वो अभी तक फिलहाल वैसी कोई फिल्म स्पेशली बॉलीवुड की जो बड़े बड़े स्टार्स की है वो चली नहीं है, और शायद उनका इशारा था लक्ष्मी की ओर या उनका इशारा था कुली नंबर वन का जो रिमेक था उसका या हंगामा टू का, जो भी चीजें हो सकता है उनका इशारा उस ओर था। यानी कुल मिला के उनका भी साफ साफ कहना है
कि सिनेमा का मैजिक अलग है और जब थिएटर में फिल्में आएगी तो लोग फिल्मों की ओर खींचे चले आएंगे और लेकिन ओटीटी पर अच्छी फिल्म आएगी तो लोग ओटीटी पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है भुज को लेकर कि वो हिट है या फ्लॉप है, इसका जानकारी खुद अजय देवगन को भी नहीं है। उनका सिर्फ यही उनको आंसर मिला है कि उनकी पिछली फिल्म क्या बोलते हैं जो फिल्म थी ना बिग बुल, वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करी है और ये भी ठीक परफॉर्म करी है ओटीटी पर, इतना ही उन्हें अपडेट पता चला है सामने वालों से यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों से। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी जानकारी दी होगी काफी कुछ समझ में आई होगी। तो इसलिए आपका मन छोटा मत करिए, ओटीटी पर जो फिल्में आती है उसका कोई फ्यूचर क्लियर नहीं है कि वो हिट है कि फ्लॉप है। इसलिए इन सवाल का जवाब हम यही रेस्ट करते कि आपको फिल्म कैसे लगी, आपको अच्छी लगी तो वो हिट है, आपको नहीं अच्छी लगी तो फ्लॉप है, बस इससे ज्यादा हम इससे बात नहीं कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Bye-bye.